SHO साहब, आई एम नॉट लाइंग जी। पुत तू आप दे टुटे जे साइकिल नाल मेरी नवी गड्डी ते डेंट पाता। मैं ता पुत सिर्फ तेरे लिए देखी सी। क्या की कीता? शरेआम झूठ, इन्ना ने मेरे वाल कोरिया सी। कर दिए तेरे पापे नु 2-3 महीने लिए अंदर। देख लो, 2-3 महीने कट ना होवे। ये डबी हुई है, मैंने बोला कि डबी हुई है, बट डब के लिए भी क्या है, क्या है कि प्रोनंसिएशन तो फिर भी जो एक्ट कर रहा है उसकी प्रोनंसिएशन बहुत राइट चाहिए, नहीं तो क्या है कि वो फील नहीं आता। जो डब भी हम करते हैं, कई एक आध फिल्म में हमारे साथ हुआ था कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके डायलॉग बोल दिए, बट वो जब डब करवा रहे थे तो डब में भी वो फिर हमें वैसे ही एक्सेंट पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो अगर नहीं पकड़ते थे तो वो लिप मूवमेंट के हिसाब से डबिंग आउट जा रही थी, तो वो फील नहीं आता था। क्योंकि डबिंग हम क्यों करवा लेते हैं, मैं आपको बताऊं, एक तो आज की डेट में जो डब करते हैं वो डबल बहुत ज़्यादा 90% मैच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या होता है कि कई बार जब हम सेम बंदे की लैंग्वेज रखते हैं ना, तो उनका अगर वो पंजाबी एक्सेंट पकड़ के भी आते हैं ना, तो जो टिपिकल देसी पंजाबी है, देसी पंजाबी है, उनको इम्पैक्ट नहीं आता। मैंने एक फिल्म करी थी पाजी प्रॉब्लम, वो अक्षय पाजी ने प्रोड्यूस करी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें अक्षय पाजी ने रोल भी किया था, उसमें 3-4 सीन्स थे अक्षय पाजी के, तो अक्षय पाजी ने खुद ही डब किया था। अब वो पंजाबी बोलते हैं, ठीक पंजाबी बोलते हैं, बट वो बॉम्बे रहते हैं, मतलब दिल्ली बॉम्बे, तो वो थोड़ी सॉफ्ट पंजाबी बोलते हैं। अब मेरा क्या है कि हम कैरी ऑन जट्टा वाले हैं तो हम बहुत ही हार्डकोर हैं, तो मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अक्षय पाजी के साथ सीन शुरू किया और क्या है, मुझे क्या हुआ भाई, कहते हैं कौन सी पंजाबी बोल रहा है तू, मैं क्या भाई स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि हम कैरी ऑन जट्टा का जो पैटर्न है वो तेज तेज है बहुत, है ना, तो वो पाजी ने प्रॉब्लम समीप कांग जी की फिल्म थी, वो उसी पैटर्न पे थी, तो मैं क्या भाई ऐसे, तो वो सीन इतने अच्छे थे, जब वो सीन सिनेमा में आए ना जेन्युइनली, तो वो सिनेमा में सीन का उतना इम्पैक्ट नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि अक्षय पाजी ने हमें कैच करके तो बोला, बट हमारा वोकल बहुत रॉ एंड वैसा है, तो उनका करना, अगर मैं अभी हिंदी में अक्षय पाजी के साथ वो चीज करूंगा ना, तो मैं अक्षय पाजी को मैच नहीं कर पाऊंगा जल्दी जल्दी, है ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, या मुझे टाइम मिले या कुछ है, तो वो पाजी ने एक ही दिन में फटाफट किए थे, तो वो चीज का फर्क रहता है मुझे लगता है। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ऑडियंस हार्डकोर फिल्म की है उसको 100% मिलना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये कि जब पेरेंटिंग की बात आती है तो मतलब एक मॉम के साथ एक पर्सनल कनेक्ट होता है, लेकिन फादर के साथ लड़के उतने कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस मूवी से आपको क्या लगता है कि ये चीज चेंज होगी मूवी देखने के बाद? एक्चुअली तो ये होनी चाहिए, एक्चुअली होनी भी चाहिए, और मुझे ना ये चीज समझ नहीं आती। मैं मानता हूँ कि अब मेरे बच्चे भी ज्यादा क्लोज अपनी माँ के हैं, तो उनको ज्यादा चीजें बताते हैं, जो मेरा बड़ा बेटा है 16 है, तो मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज का रहता है, मैं आपको जनरली बताऊँ, मैं अक्सर तौर पर मैंने पहले डिस्कस किया था कि यार बच्चे ना जब बड़े होते जाते हैं तो वो अपने बाप को हर वर्क करना बंद कर देते हैं, है ना, तो उसको वैसे कड़ल नहीं करते जैसे रेगुलर रूटीन में होता है, तो वी मिस दैट, क्योंकि मुझे होता है कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में था जब मेरे फादर चले गए थे, तो मैं बहुत मिस करता था, आज तक वही चीज़ को करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अब जब मेरे बच्चे हैं तो मुझे वही मोमेंट्स कई बार याद आती हैं जो अपनी छोटे होते थे, तो मुझे हमेशा रहता है, मैं अपने बड़े बेटे को ना बहुत सी ऐसी चीज़ें बैठ कर डिस्कस करता हूँ, उसके साथ बातें करता हूँ ऐसी कि ये होना चाहिए। एक दिन इसीलिए मुझे इंटरव्यू में ऐसे बात करते करते बताया कि पापा आपको बताया कि एक बड़े बेटे का नाम एकम है, कि एकम के फ़ोन के ऊपर अलार्म सेट किए हुए हैं, जैसे 7 बजते हैं तो उस पर अलार्म रहता है कि गो हग पापा, है ना, तो 9 बजते हैं कि डू सेट विद पापा, है ना, टॉप टू हेम, है ना, तो वो आता है, तो मुझे क्या है चाहे वो वैसे आता है उसमें आता है, बट जब हम टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमारी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारी प्रॉब्लम सम टाइम क्या होती है, मुझे जो लगता है कि हम बच्चे को समझाना चाहते हैं उसको समझना नहीं चाहते, तो समझना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर अब ये है, इसके कई फेवरेट कार्टून है, क्या नारुतो देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका दोस्त बनूँ ना, मुझे नारुतो से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझे उसके साथ आप प्ले स्टेशन खेलते हैं कई बार करते हैं, मैं साथ में जाके बैठता हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता, मैं हार जाता हूँ 1 मिनट में,
तो आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। बास्केटबॉल में इसके चक्कर में खेलने लगा हूँ, मुझे बास्केटबॉल का कुछ नहीं आता, तो इनके साथ खेलता हूँ, मैं खेलने भी लग गया थोड़ी थोड़ी। तो वो जेन्युइन आपका इसे हर चीज में ना आप टाइम नहीं स्पेंड करना, इमोशन आना चाहिए। और जब इमोशन कनेक्ट नहीं होता, आप टाइम ही स्पेंड कर रहे हो यार आपके मुझे आधा घंटा बैठना है, उसका कोई फायदा नहीं। इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। हे गूगल, जे बच्चा नु रोज कुटया जावे तो ओना दा की होएगा? ओना दे तप्पड़ रुल जानगे। तो हाँ दिया मनिये, ना ना मनिये, मर दिया।